सभी सुंदर साथ को कोट एंड कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 36 पूर्ण किया, आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सनंद फिरस्ते फना आखरत भिस्त कयामत की। अब कहूँ विध नूरियो जो जहाँ जिन ठोर, ए मायने इमाम बीना कोई करे जो होवे और। अब मैं अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न नूरी फरिश्तों का वर्णन करता हूँ। उनमें से जो जिस स्थान में है उसका विवरण सतगुरु के बिना अन्य कोई होता तभी कह सकता। पांच फिरस्ते नूर से खड़े मिने हुकम, पाँव पल में पैदा करे ऐसा कई इंड आलम। अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न ये पांच फरिश्ते पूर्ण ब्रह्म की आज्ञा से ही अस्तित्व में आए हैं। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म एक पल के भी चतुर्थांश भाग में ऐसे अनेक ब्रह्मांड बनाते हैं। या में एक रसूल संग ए जो जबराइल, सो नूर से आवत रूहन पर हके भेजा रोशन वकील। इन पांच फरिश्तों में से एक जिब्रिल नामक फरिश्ता रसूल मोहम्मद के साथ आया। वह परम आत्माओं के लिए अक्षरधाम से इस संसार में आया है। परमात्मा ने उसे ब्रह्म आत्माओं की अनुशंसा के लिए वकील बनाकर भेजा है। ए जो ले खड़े खेल को और कहे जो चार, ए असल कतरा नूर का जिनको एह विस्तार। इसके अतिरिक्त इस जगत के खेल के आधार रूप अन्य चार फरिश्ते माने गए हैं। ये सभी वस्तुतः अक्षर के ही अंश स्वरूप है। ये 14 लोक सब इनका ही विस्तार है। या में एक फरिश्ता तिन से उपजे सब, सरत आखर असराफिल नूर से आया अब। इन चारों में एक का नाम अजाजील है, उसी से सभी जीवों की उत्पत्ति हुई है। दूसरा इसराफिल फिरस्ता है, इसके प्रकट होने के समय अंतिम वेला मानी गई है, इसीलिए यह अब अक्षरधाम से आया है। अजाजील असराफिल इन दो की असल एक, पैदा अजाजील से सो भी कहूँ विवेक। अजाजील और इसराफिल इन फिरस्तों का उद्गम स्थल एक ही है। जब अजाजील से उत्पन्न जीवों का विवरण भी विवेक पूर्वक कहता हूँ। कतरे से पैदा हुआ इनसे उपजे दो, तामे एक सबो को पाल ही एक करत कबज रूह सोए। अक्षर ब्रह्म के अंश से उत्पन्न इस अजाजील से ब्रह्मा जी और भगवान शंकर, इस प्रकार दो देव उत्पन्न हुए। उन दोनों में से एक सभी प्राणियों के पालने के लिए विभिन्न सामग्रियों की सृष्टि करते हैं और दूसरे सभी जीवों के प्राण हरण करते हैं। ए दो जो पैदा हुए सो ले खड़े सब छल, नूर की नजरों चढ़े तीनों आया सबो बल।
इस प्रकार संपूर्ण हुए ये दोनों फरिश्ते मायावी जगत को धारण किए हुए हैं। अंत में वे दोनों ही अक्षर ब्रह्म की दृष्टि में अंकित होने पर अखंड हो जाएंगे। यों चारों पैदा हुए खड़े रहे जिन खातर, सोई काम सोई जाएगा ये भी दो देव खबर। ये चारों फरिश्ते उत्पन्न होकर जिनके लिए कर्तव्य परायण बने हैं तथा जो कार्य उन्हें सौंपा गया है उसके लिए वे उसी स्थान पर निरंतर अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। इन दोनों का विवरण यहाँ पर देता हूँ। एक पैदा कर वजूद खेला वही, दूजा पाले तीन, तीसरा किन किन ले वही, चौथा उड़ावे सबन। एक फरिश्ता ब्रह्मा जी सांसारिक प्राणियों के शरीर की सृष्टि कर खेल का संपादन करते हैं। दूसरे अजाजिल यानी भगवान विष्णु इन प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। तीसरे भगवान शंकर अलग अलग प्राणियों को चुन चुन कर संहार करते हैं। और चौथे अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अज्ञान रूप अंधकार को दूर कर सभी जीवों को अखंड मुक्ति स्थलों में मुक्ति देंगे। यो नूर नजर चारों पर इन विद हुई पैदास, फेर कहूं बेवरा इनका ए जो खेले खेल बिलिबास। इस प्रकार संपूर्ण इन चारों फिरस्तों पर अक्षर ब्रह्म की दृष्टि बनी रहती है। ये लोग किस प्रकार का रूप धारण कर इस रचना के पात्र बने हैं मैं उसका पुनः विवरण देता हूँ। या विध उपजे नूर से इनसे सब विस्तार, थीर चर चौदे तबको हुआ खेल कुफार। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुए इन देवगणों से संपूर्ण जगत का विस्तार होता है। 14 लोकों में स्थावर जंगम जितनी भी रचना है यह सब इनका ही बनाया हुआ झूठा खेल है। अजाजिल को गफलते हुक्मे दिया उलटाए, ले तखत बैठाया छल के सब फरेब जुगत बनाए। अज्ञान के कारण अजाजिल फरिश्ता ने परमात्मा का आदेश उल्टाया, इसीलिए उसको झूठी माया द्वारा बनाए गए इस जगत के सिंहासन पर बैठाया गया। अजाजिल से फिरस्ते उपजे बिना हिसाब, सोदम सबो में इनका ये जो खेले मिने ख्वाब। इसी अजाजिल से अन्य असंख्य फरिश्ते उत्पन्न होते हैं एवं स्वप्नवत जगत में खेलने वाले सभी जीवों में भी प्राण रूप में यही अजाजिल रहता है। परदा इन सिरदार पर ये जो कही जुलमत, पीछा हटाया हुक में ताए कुफर सेवे कर सत। जगत के शिरोमणि इस फरिश्ते के ऊपर निराकार का पर्दा लगा हुआ है। परमात्मा का आदेश न मानने के कारण इसे अखंड स्थान से हटाया गया है। स्वप्न के जीव इसको ही सत्य परमात्मा मानकर इसकी पूजा करते हैं। ये सुंदर साची, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 37 की 15 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे के वीडियो में हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साची, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।